दोस्तों नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से एक यूट्यूब चैनल के लिए HD लोगो कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलना होगा और एक ऐप्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम प्ले स्टोर में जाएंगे और उसमें सर्च बार में सर्च करेंगे पिक्स आर्ट को हम डाउनलोड करेंगे और हमने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है, हम इसे अपडेट कर लेंगे। ये हमारा ऐप अपडेट हो रहा है दोस्तों, थोड़ा वेट करेंगे। दोस्तों लोग बहुत यूट्यूब के यूट्यूबर को बहुत ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए लोगो यूज करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और हमारा ऐप जो अपडेट हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो है दोस्तों, वेट करेंगे। ऐप्स अपडेट हो चुका है दोस्तों, इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो चुका है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसके बाद आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो हम वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐड आइकन को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे टैक्स में। टैक्स में जैसे हमारे चैनल का नाम, मेरे चैनल का नाम है PK राज टेक्निक, तो हम पहले PK राइट करेंगे और इसको यहाँ से राइट कर देंगे और इसको हम कस्टमाइज करेंगे। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से हम कलर चूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम ब्लैक कलर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा दूसरा राज फोन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से कलर चूज करेंगे। कलर चूज होने के बाद यहाँ से हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे, छोटा कर लेंगे और ये हो गया हमारा। यहाँ सेट कर लेंगे, यहाँ से राइट कर देंगे
और फिर दोबारा चले आएंगे हम ड्रॉ में। थोड़ा मूव करेंगे हल्का, उसके बाद इसको यहाँ से कट लगाएंगे ताकि काफ़ी अच्छा दिखे हमारा लोगो। करने के बाद यहाँ से इसको हाइड कर देंगे, फिर ड्रॉ में चले जाएंगे, दोबारा से वही चीज़ सेलेक्ट करेंगे, फील कर देंगे, इसके बाद कलर चूज कर लेंगे वाइट, राइट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा कट लगाएंगे हम, थोड़ा सा घुमा लेंगे हल्का सा, क्रॉस कर लेंगे कट देने के लिए। अब यह हो गया, इसको हम यहाँ पे कट देंगे यहाँ पे इस तरह से, देख लेना बराबर बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से राइट कर देंगे, फिर दोबारा चले जाएंगे हम टैक्स में। टैक्स में जाने के बाद यहाँ टाइप करेंगे उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे राइट करके, फिर इसको यहाँ पे फिल अप करेंगे। तो आप यहाँ से छोटा बड़ा सेट कर सकते हो और इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ऐसे कोई भी फॉन्ट आप लगा सकते हो। तो हम वही रखेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है अर्चिवो ब्लैक, ये अच्छा है। इसको सेट कर लेंगे, कलर यहाँ पे चूज कर लेंगे, कलर जो आपका फेवरेट कलर हो वो लगा सकते हैं आप, जैसे मैंने लगा दिया मेरी रेड कलर हो गया, रेड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लू लगाना, ब्लू लगा सकते हैं, ब्लू लगा दिया, येलो हो गया। यहाँ से आप कोई भी कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका डबल ग्रेडियंट कलर हो गया है, आपको अच्छा लगा ये। इसको ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका, इसको होने के बाद आप टेक्सचर भी कर सकते हैं, टेक्सचर करना है तो टेक्सचर भी कर सकते हैं, टेक्सचर यूज कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो टेक्सचर यूज कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करना। तो
ये हम करने टेक्सचर को, उसके बाद यहाँ से राइट कर देंगे, फिर से चले आएंगे टूल पर। टूल पे आने के बाद से क्रॉप पे ओके करेंगे और यहाँ से हम इसको राइट राउंड चूज कर लेंगे। यहाँ से हमारा लोगो बन के तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ये लोगो। अगर आप इसमें कोई और भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। इसके बाद हम यहाँ से सेव कर लेंगे और इसका आउटलाइन कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे ये हो गया रेड, रेड हो गया, और ब्राइट लेना चाहते हैं इसको, थोड़ा ठीक करना चाहते हैं वॉल को, तो ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा ठीक नहीं करेंगे, इतना काफ़ी टूटी लग रहा है, तो हम यहाँ से सेव कर देंगे और फिर हम बैठ आ जाएंगे। ये था मेरा दोस्ती वीडियो, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।